अग्विन चौबे, अध्यक्ष महानगर कांग्रेस कमेटी। किस तरह का ये धरना प्रदर्शन आपने देखा यहाँ पे? आज हम सबकी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी के निर्देश पे और हम सबके प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी के आह्वान पे उत्तर प्रदेश के सारे कांग्रेस जन आज उत्तर प्रदेश की समस्त तहसीलों पे लगातार पेट्रोलियम पदार्थों की वृद्धि को लेकर के धरना और प्रदर्शन पे 12 से 2 बैठे हैं। पूरे तहसीलों में प्रदर्शन हो रहा है। आज बनारस शहर कांग्रेस के कांग्रेस जन यहाँ सदर तहसील में बैठे हैं, जिला अध्यक्ष की अगुवाई में गंगापुर तहसील पे बैठे हैं, पूर्व मंत्री अजय राय जी की अगुवाई में पिंडरा तहसील पे बैठे हैं, राजेश मिश्रा जी वहाँ पे गंगापुर की तहसील पे सहयोग कर रहे हैं। आज आप देखिए कमों के सारे कांग्रेस के लोग इस तहसील के धरने में शामिल हैं और अपनी आवाज बुलंद करते हुए इस निरंकुश और तानाशाह सरकार से तत्काल इस लगातार वृद्धि हो रही। आज तो हम लोग को खबर आई, ब्रेकिंग न्यूज चली कि गैस के दाम भी बढ़ा दिए गए। इन सारे दामों को तत्काल वापस ले, अन्यथा कांग्रेस जन अपनी लड़ाई गांधीवादी तरीके से जारी रखेंगे और इनको बाध्य करेंगे कि इनके मूल्य वापस लें। राघवेंद्र जी, कोरोना काल से ही कांग्रेस भी लगातार कोरोना में लोगों का सहयोग कर रही है, चाहे वो प्रवासियों को ले आने का मामला हो। ऐसे में यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग आपके कार्यक्रम में नहीं दिख रही है, नदारद है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सारे लोग सोशल डिस्टेंसिंग से बैठे हुए हैं, लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं मास्क लगाए हुए हैं, सैनिटाइजर का उपयोग कर रहे हैं और लगातार हमने कहा पहले भी कि हम सब गांधीवादी लोग हैं, गांधीवादी विचारधारा हमारा विश्वास है, गांधीवादी तरीके से आपने देखा होगा इस कोरोना काल में भाजपा के लिए अवसर होगा, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने इसको सेवा में बदला है। लगातार तो 2.5 महीने हम लगातार अपनी गरीब लोगों की अनाज दे करके, खाना बांट करके, मास्क बांट करके, सैनिटाइजर बांट करके, और तो और जब हमारी नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी ने रेलों के भाड़े चुकाए हैं तब जाके इनके कानों पे जू रही है और इन्होंने ट्रेन चलाने का कार्य किया है।